लोटस आयुर्वेदा इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं उत्पल चौधरी। आज हम बात करेंगे चीन में शख्स को आई ऐसी खांसी, टूट गई शरीर की सबसे मजबूत हड्डी, जाने क्या होता है फीमर फ्रैक्चर। तो वीडियो शुरू करने से आपसे पहले बोलना चाहूंगा, चैनल आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन की घंटे बजा दें जिससे हमारे आने वाले सभी वीडियो सबसे पहले आपको मिले। तो आइए शुरू करते हैं। दुनिया भर में आए दोनों अजीबोगरीब मामले सामने आ रहे हैं। हड्डियां आमतौर पर गिरने या फिर एक्सीडेंट होने के कारण टूटती हैं। क्या कभी आपने ऐसा सुना है कि खांसी आने से भी हड्डियां टूटती हैं? जी हां, चीन से ऐसा ही एक चौंका देने वाला मामला सामने आया है जहां एक शख्स को खांसी आने से हड्डी फ्रैक्चर हो गई। इस 35 वर्ष की व्यक्ति को इतनी तेज खांसी आई कि एक झटके में शरीर की सबसे जरूरी हड्डी टूट गई जिससे उसे फीमर फ्रैक्चर हो गया। तो आइए जानते हैं फीमर फ्रैक्चर के बारे में। तो क्या था पूरा मामला, ये आपको पहले बताता हूं। मिली जानकारी की माने तो शख्स को खांसी आई जिसके तुरंत बाद उसे तेज दर्द उठा। व्यक्ति ने दर्द को आम या फिर शरीर में होने वाले ऐठन समझकर नजरअंदाज कर दिया। जब व्यक्ति को चलने फिरने में कठिनाई होने लगी तो अस्पताल गया जिसके बाद डॉक्टरों ने उसका एक्सरे किया। एक्सरे रिपोर्ट के मुताबिक उसे फीमर फ्रैक्चर हुआ था जिसके कारण उसका हड्डी फ्रैक्चर हो गया। ये मामला देख करके अस्पताल के डॉक्टर भी हैरान रह गए थे। तो क्या है फीमर फ्रैक्चर? फीमर जांघों में पाई जाने वाली सबसे बड़ी और मजबूत हड्डी होती है। ये हड्डी हिप से जुड़ी, हिप से घुटनों के बीच पाई जाती है। ये हड्डी टूटने या फ्रैक्चर होने पर उन्हें हड्डियों की तुलना में उसे ठीक होने में अधिक समय लगता है। इस हड्डी के टूटने पर बिना देरी किए चिकित्सक से यानी डॉक्टर के पास जाना चाहिए। ये फ्रैक्चर होने पर बहुत तेज दर्द होता है जिससे चलने फिरने में कठिनाई का सामना करना पड़ता है। आमतौर पर सर्जरी या फिर फिजिकल थेरेपी द्वारा इस समस्या को ठीक किया जा सकता है। फीमर फ्रैक्चर का उपचार, फीमर फ्रैक्चर होने पर डॉक्टर द्वारा सर्जरी करने की सलाह दी जाती है। कुछ मामलों में प्लास्टर चढ़ाकर भी इसे ठीक किया जा सकता है। कई बार प्रभावित हड्डी को नई हड्डी में बदला जाता है। कुछ मामलों में प्रभावित हिस्से पर पिन लगाकर भी इसे सीधा करने की कोशिश की जाती है। तो ये था हमारा आज का वीडियो। आपको कैसा लगा हमें अवश्य बताएं। धन्यवाद।